हेलो एंड वेलकम टू द आई वाई एफ एजुकेशन गाइज। आज हम जो है ना अपना एनएस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो ग्लैरी को आप देख रहे हो, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपके आ रही है, इसके ऊपर तीन आपको धारियां नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो धारियां हैं, ये धारियां किस तरीके से आई, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपको भगवान रामचंद्र की कहानी तो पता ही होगी, जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। अब वो जो वनवास गए थे, उस दौरान क्या हुआ कि रावण ने सीता जी को हरण कर लिया, ठीक है। तो राम भगवान जो है सीता को लेने के लिए जब जा रहे थे, तो बीच में पड़ता है श्रीलंका और भारत के बीच में एक समुद्र, ठीक है। तो उस समुद्र को पार करने के लिए क्या हुआ कि भगवान राम जी ने अपनी सेना को बोला कि भाई हमें यहाँ पर एक पुल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जब पुल बनाने के लिए बंदरों की सहायता ली, तो बंदर भाई एक एक करके पत्थर उठा के डाल रहे थे। तो इसी दौरान एक बंदर को एक गिलहरी नजर आई, तो उस गिलहरी से कहता है कि अरे गिलहरी बीच में से हट जा, ठीक है, वरना तू किसी के पाँव के नीचे दबके मर जाएगी। पर वो गिलहरी नहीं मानती और वो कंकड़ उठा उठा के डाल रही होती है। तो जब वो कंकड़ डाल रही होती है, तो एक बंदर जो है वो बड़े सा पत्थर लेके आ रहा होता है, और बड़ा सा पत्थर जब ला रहा होता है तो अचानक से उसके पाँव के नीचे आ जाती है, लेकिन वो उसको बचाने के चक्कर में पीछे होता है और वो गिरता गिरता बचता है, ठीक है। और वो पत्थर रखता है और उस गिलहरी को उठा क्या कहता है कि भाई देख, तू इतनी छोटी सी है, इतने बड़े पुल को तो बना नहीं सकती, ठीक है। और उसको उठा के और मजाक के अंदाज में उसको फेंक देता है, ठीक है। तो वो फेंकता है तो वो सीधा जाके किस पे हाथ में जाती है, तो भगवान श्री रामचंद्र के हाथ में जाकर गिरती है। और जब वो भगवान श्री रामचंद्र के हाथ में गिरती है, ठीक है, तो भगवान रामचंद्र जी देखते हैं उसको और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि मैं आपकी सहायता के लिए कंकड़ जो है वो समुद्र में डाल रही थी, लेकिन बंदरों ने मजाक उड़ाया। और तो ये चीज़ देखकर जो भगवान श्री रामचंद्र जी है वो क्या करते हैं, बंदरों को बुलाते हैं। तो वो बोलते हैं भाई देखो, काम जो है कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है प्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि वो गिलहरी जो है, ठीक है, वो भगवान राम से कितना प्रेम करती है, और वो जो प्रेम था वो इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि वो कितना काम कर रही है, ठीक है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है इस पॉइंट से कि भाई देखो, बेसिकली लाइफ में हम जब भी कोई हमारी हेल्प करता है, तो हमें ये नहीं देखना कि कौन कितनी हेल्प कर रहा है, ठीक है, हमें देखना है कि वो किस लिए हमारी हेल्प कर रहा है, कितना वो चाहता है कि वो हमारी हेल्प करे। तो वही चीज़ भगवान राम ये देखते हैं, और भगवान राम जब ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और खुशी के कारण वो क्या करते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, ठीक है। और इस हाथ फेरने के कारण क्या होता है कि उनके जो पीठ पर है तीन धारियां बन जाती है, जो कि आपको अभी भी नजर आती हैं, ठीक है। तो आप कभी भी अगली बार गिलहरी को देखें तो हमेशा याद रखना कि वो जो धारियां थी वो क्या थी, वो एक्चुअली में भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद था। समझ में आया? तो गाइज, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर अब तक आपको समझ में आ गया होगा, इसकी कहानी क्या है, ठीक है। तो जरा इनके कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, तो बेटर होगा कि जब हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं तो कहानी और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई मंकी जो है वो क्या लेकर जा रहे थे, तो बताओ क्या लेकर जा रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र में पुल बनाए, तो मंकी क्या लेकर जा रहे थे, पत्थर लेके जा रहे थे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रिज जो है वो कहाँ पर बनाना था, तो ब्रिज कहाँ पर बनाना था, तो ब्रिज बनाना था ऑन द सी, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड रामा एडवाइस टू ऑल द मंकीज, यानी कि भगवान रामचंद्र ने सभी मंकियों को क्या एडवाइस दिया। तो भाई भगवान रामचंद्र ने एडवाइस दिया कि काम जो है वो असली पूजा है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि भाई कौन कितना छोटा है या कौन कितना कमजोर है, वो आपके लिए किस तरह से एफर्ट कर रहा है ये मैटर करता है, ठीक है। वो कितना एफर्ट कर पा रहा है वो मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखो, गिलहरी जो है वो एक कंकड़ डाले तो एक बड़े से पुल में, उस कंकड़ का क्या है योगदान, पर वहाँ पर क्या था, वो भगवान रामचंद्र के प्रति जो स्नेह है उसने उसे मजबूर किया कि वो उसके लिए कार्य करे। तो यानी कि वर्क जो है वो रियल वर्शिप है। समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रिज क्यों बनाया जा रहा था, तो भाई ब्रिज क्यों बनाया जा रहा था, क्योंकि रावण से सीता मैया को छुड़ाने के लिए भगवान रामचंद्र को किधर जाना था, समुद्र पार करके। तो इसलिए उस समुद्र पे जाने का रास्ता क्या था, कुछ कोई था ही नहीं, तो कैसे जाते, तो इसलिए वहाँ पर क्या बनाया गया, पुल बनाया गया, ठीक है। तो क्या भगवान राम खुश थे ये चीज़ देख के, गिलहरी उसकी हेल्प कर रही है, तो हाँ भगवान राम बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि बंदर तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में जो छोटे मोटे जो जीव जंतु है वो भी भगवान राम के प्रति अपना स्नेह जताने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भगवान राम की जिस प्रकार से वो सहायता कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि क्या मंकी जो थे वो खुश थे इनको देख के, गिलहरियों को देख के। तो सीधी सी बात है भाई, अगर खुश होते तो क्या वो उसका मजाक उड़ाते, नहीं। क्या वो उसे उठा के फेंकते, नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा कि मंकी जो थे उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसके अलावा क्या है कि इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो भाई देखो, इस लेसन से जो है बेसिकली हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो सिंपल सी बात है
ये लेसन हमें बताता है कि आपका लव, ठीक है, या आपका अफेक्शन, या आप किसके प्रति कितना स्नेह रखते हैं वो मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि वो आपकी हेल्प किस तरीके से कर रहा है। यानी कि एक छोटा बच्चा भी अगर आपकी हेल्प करना चाहता है तो वो अपने हिसाब से मैक्सिमम दे रहा है, बट वो आपके लिए इनफ नहीं हो तो कोई बात नहीं। बट उसका जो प्यार है आपको हमेशा वो कंसिडर करना चाहिए, ना कि आप ये देखो कि वो कितनी आपकी हेल्प कर रहा है। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड।